प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। इसी माता मरियम की मनोभावना के साथ आज हम कार्मल के धर्म में प्रभु के वेदी के समक्ष उपस्थित हैं। आज के इस पावन एवं हर्षोल्लास दिन में यहां उपस्थित सभी के साथ मिलकर प्रभु से मिले हुए वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे समाज सीएमसी की आध्यात्मिकता पैलेस्टाइन के कार्मल पर्वत से उत्पन्न हुई। यहाँ पर नबी एलियास एवं उनके अनुयायी प्रभु की सानिध्य में रहकर लोगों की जरूरतों में उनकी सहायता की। उनकी विचारधारा एवं आत्मा की मुक्ति के लिए जो उनका उत्साह था, कई शताब्दी के बाद आज भी लोगों को स्वीकार्य है। एक बार कार्मलाइट्स जब खतरे में थे, तब माता मरियम के मध्यस्थता से प्रार्थना की। तब माता मरियम ने संत साइमन स्टॉक को दर्शन दिया और एक स्कापुला दिया और साथ में जो इसे प्यार एवं श्रद्धा से पहनेगा उन्हें अपना संरक्षण देने का वादा भी किया। वही कार्मल की मनोवृत्ति एवं जीवन शैली कार्य निष्ठा के साथ हम सीएमसी धर्म विघ्नों को हमारे संस्थापकों द्वारा सौंपा गया है। 13 फरवरी 1866 ईस्वी में संत कुरियाकोस एलियास चावड़ा एवं फादर लियोपोल्ड ओसीडी के द्वारा हमारे समाज सीएमसी की स्थापना केरल के उनम्माव में हुआ। यह समाज केरल के कलिसिया में पहला स्वदेशी महिला धर्म समाज है। हमारे संस्थापकों ने इस समाज की शुरुआत 4 सदस्यों से की। उस समय उनके पास केवल 18 रुपया था और वे सदस्य बास से बना चौपड़ी में रहकर धर्म संगी जीवन की शुरुआत की। आज की समाज की तहनी न केवल भारत में बल्कि अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप जैसे महाद्वीपों में फैल गई है। हम माता मरियम को अपनी पद प्रदर्शिका एवं संरक्षिका मानते हैं। हमारा समाज लोगों के उद्धार के लिए विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के उद्धार हेतु काम करते हैं। जरूरत के अनुसार आज हमारे सिस्टर्स न केवल स्कूलों में कार्यरत हैं बल्कि अस्पतालों में, अनाथालयों में, दिव्यांग बच्चों के केंद्र में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य करते हैं। हमारे कार्मल महोत्सव में पवित्र मिसा के मुख्य अनुष्ठाता महामाननीय बिशप टेलर मस्करेन्स को कार्मल परिवार की ओर से अभिनंदन करते हैं। पिता ईश्वर इन्हें विशेष आशीष दें ताकि हम फले गड़ीरे के समान बहुत से आत्माओं को यीशु के पास ला सके और ईश्वर के विश्वास में लोगों को अटल बना पाए। उनके साथ
वेदी पर उपस्थित फादर अमरदीप वेंकटा को आज पवित्र आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं कि वे अपनी पुरोहिताय जीवन में सफलता होकर आपका नाम फैला सके। इस शुभ अवसर पर यहां उपस्थित प्रत्येक जन को विशेषकर फादर दिलीप एका और सिस्टर गण को कार्मल माता की इस पर्व में आप सबों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए हम आज के इस पवित्र बलिदान में तहे दिल से उपस्थित होकर कार्मल माता की मध्यस्थ द्वारा सारे कार्मेलाइट परिवार, सारे विश्व और हम सभी के लिए प्रार्थना करें। आमीन। मिसा बलिदान हम कार्मल हॉस्पिटल के जो अधिकारी हैं, जो काम करते हैं और जो इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं, उनके मतलबों के लिए चढ़ाते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचार्य आप सबों को प्राप्त हो। मेरे प्यारे दिलीप पदमदी सिस्टर गण और भाई और बहनों, कार्मल की माता एक संरक्षण की माता जैसे माना जाती है और पहचानी जाती है। मुझे याद है जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तब से ही माँ हमको कार्मल की स्कैपुलर लगाती है। आजकल बाजार में भी स्कैपुलर नहीं मिलते, सिर्फ कार्मल सिस्टरों के पास मिलते हैं। तो स्कैपुलर लगाते समय माँ हमें बोलती थी, ए माता मरियम आपकी संरक्षण करेगी। बपतिस्मा के बाद भी यही रीति होती थी कि कार्मल का स्कैपुलर जो था वो लगाने का। आज हम यही कार्मल की माता की पर्व मनाते हैं। मेरी इच्छा थी कम से कम एक बार इस हॉस्पिटल के चैपल में मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए सिस्टर लोगों ने बुलाया, नहीं तो मैंने अपने आप को ही बुलाया। तो ये मिसा बलिदान में विशेष करके प्रभु को धन्यवाद देने के लिए चढ़ा। ये कार्मल सिस्टर सीएमसी सिस्टर्स हमारे डायसिस में है, यहाँ लोगों की इलाज करते हैं। लातेहार में भी पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई की मदद करते हैं। दो विशेष क्षेत्र, दवाई का, स्वास्थ्य का और शिक्षा का, इसमें हमारे लोगों की मदद। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते समय हम ये भी आशीष प्रभु से प्रदान करने चाहते हैं। पहला तो ये धर्म समाज पे प्रभु की आशीष प्रदान करने की, उनको और बच्चियां मिलने के लिए, जो बच्चियां हैं उनको प्रभु ने आशीष दे के आगे बढ़ाने की कृपा देने के लिए, और बच्चा मिलके ये जो प्रभु का मिशन जो उनको दिया है वो आगे बढ़ाने के लिए समाज को ये सहायता प्रभु से हम मांगेंगे।
साथ साथ आप लोग जो इस सिस्टरों के साथ मिलके लोगों की इलाज करते हैं, आप लोगों के लिए, आप लोग परिवार के लिए मैं अपनी सफलता चढ़ा। तो प्रभु आप लोगों पे अपना भरपूर आशीष बरसा दे। हमारे मरीजों के लिए जो दुख पीड़ा में आते हैं कि प्रभु उनको सांत्वना दे, उनको चंगाई दे और उनको अपने स्वास्थ्य में लाने के लिए प्रार्थना करें। हम पापी हैं, हमारे पापों की याद करते हुए, क्षमा मांगते हुए दया याचना करें।
हम प्रार्थना करें हे प्रभु प्रतापी कुंवरी मरियम हमारी सहायता करें ताकि इनके संरक्षण में सुरक्षित रहकर हम पवित्र पर्वत पर प्रभु कृष्ण तक पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु कृष्ण के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
यीशु लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने यीशु से कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। यीशु ने उससे कहा, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत कर उन्होंने कहा, देखो ये है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। प्रभु का सुसमाचार। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पर्व में हम दो पाठ सुने हैं, दो पाठ पढ़े हैं। पहले पाठ में एक छोटा सा पर्वत सियोन के बारे में एक भविष्यवाणी किया जाता है कि सब लोग वहां आएंगे और प्रभु वहां आए। और दूसरे पाठ में प्रभु के माता भाई बहन उसको मिलने आते हैं। वो अपने काम में लगा हुआ है। कोई बोलते हैं कि आपकी माँ आपकी भाई बहन आपको मिलने आए, और प्रभु यीशु उनको जवाब देता है, मेरी माँ कौन है, मेरी भाई बहन कौन है? वो है जो मेरा वचन सुनते हैं और पालते हैं। इन दो पाठों में हमें आज के पर्व की मतलब मिलता है। पहले पाठ में माता मरियम, जिसको आज हम माउंट कार्मल की माता मरियम बोलते हैं, वो सियोन पर्वत जैसी है जिसके पास सब लोग आएंगे और प्रभु यीशु भी आएगा। माता मरियम का काम ये है हमें प्रभु यीशु को देने का, और हमारा काम ये है माता मरियम से प्रभु यीशु को ग्रहण करने का। सभी पर्व जो हम माता मरियम के मनाते इसी दिशा में है। बिना प्रभु यीशु माता मरियम को मतलब नहीं है, लेकिन माता मरियम इसलिए धन्य है क्योंकि प्रभु ने उसके साथ एक बड़ा काम किया। माउंट कार्मल, जैसे आप लोग जानते हैं, एक ऐसा पर्वत था जिसपे सदा हरियाली होती थी। इजराइल में एक ही पर्वत था उसपे सदा हरियाली होती थी, और इसलिए तो माता मरियम को माउंट कार्मल की माता बोलते हैं। तब ये प्रभु यीशु द्वारा हमारी जिंदगी में हरियाली लाने वाली माता है। माउंट कार्मल ऐसा भी पर्वत था जिससे इज़राइल की प्रजा ये समझती थी, ये सोचती थी कि हमें संरक्षण देता, इसलिए माता मरियम हमें संरक्षण देने वाली है। लेकिन माता मरियम अपने जीवन से हमें क्या सिखाते हैं वो प्रभु सुसमाचार में भी बताते हैं। माता मरियम प्रभु की माँ इसलिए बन गई
क्योंकि उसने वचन को, प्रभु के वचन को ग्रहण किया, प्रभु के वचन को पाला, प्रभु वचन को बढ़ा करके हमें दे दिया प्रभु यीशु। ये हमारे लिए बड़ा वरदान है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि आज का पाठ बोलता है ये मेरी माँ नहीं है, ऐसा नहीं बोलता है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु बोलता है ये धन्य इसलिए है, ये माँ इसलिए बनी है क्योंकि प्रभु का वचन ग्रहण किया, प्रभु का वचन का पालन किया और प्रभु का वचन हमें दिया। मेरी प्यारे कार्मल की सिस्टर और जो बच्चिया आगे बढ़ने चाहते हैं, माता मरियम हमें यही कारण के लिए और यही कार्य के लिए बुलाते हैं कि हम प्रभु का वचन ग्रहण करें। और प्रभु का वचन मतलब प्रभु ही है, प्रभु यीशु को ग्रहण करें, उसको हमारे दिलों में रखें और यही प्रभु यीशु को दूसरों को, वो ही मेरे प्यारे भाई और बहनों आप लोगों का काम है। जब मरीज के पास जाते हैं, जब सेवा करते हैं, सिस्टर लोगों की नहीं करते आप लोग, हाँ सिस्टर लोगों के अंडर करते हैं, लेकिन आप लोग प्रभु की सेवा करते हैं। एक लक्ष्य से आप आगे जाएंगे तो ही माता मरियम की हरियाली आप लोगों के जीवन, यदि काम करने के लिए ड्यूटी है इसलिए कर दिया तब प्रभु का वचन ग्रहण करके हम काम नहीं करते। हम हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो दायित्व है, उससे आगे जाना चाहिए, तभी हम प्रभु यीशु की सेवा। यही मेरी आशीष आप लोगों को, सिस्टरों को, और हम माता मरियम के द्वारा मध्यस्थी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे साथ देते हुए हमें आगे बढ़ने की कृपा।
जो प्रार्थनाएं हैं कार्मेल की माता मरियम द्वारा प्रभु के पास ले आएंगे और हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु से निवेदन करेंगे। निवेदन निवेदन वाले लोग आगे बढ़े। प्रभु नित्य कुमारी धन्य मरियम अपनी दिव्य मध्यस्था द्वारा हमारी सहायता करे और हमें हर प्रकार के संकटों से बचाए रखे ताकि हम तेरी शांति में आनंद मना सके। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। Thank you.
Almighty God, in response to your divine call, to offer myself totally to you, and to send myself and all that I have for personal sanctity and the salvation of souls, through a life of contemplation and action, I, Sister Elizabeth, under the patronage of Our Lady of Mount Carmel and all the saints, renew my vow of obedience, chastity and poverty, according to the constitutions of the congregation of the Mother of Carmel. प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा की शक्ति से, शक्ति की छाया से इन्होंने
स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख का उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हम
हमारा नम निवेदन है कि हम सब क्रिस्ट का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्कारेनास और सभी यात्रियों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हे प्रभु अपनी सेविकाएं सभी कार्मल इस कार्मल धर्म समाज के बहनों को की सुधि ले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुलाए भी हैं। यह वर्दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें हम सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब को दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम उनके वर धन्य योसेफ धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा I'm not afraid to die.
सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु विराट हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरित से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर विश्वास और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता देता है। युगानुग जीता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के बोल में बुलाए गए हैं। Thank you.
हम प्रार्थना करें कि प्रभु स्वर्ग की भोजन से पोषित होकर हम भी धन्य कुमारी मरियम के सम्मान शुद्ध जीवन द्वारा तेरी सेवा करें और उनके साथ सारे हृदय से तेरी प्रशंसा करते रहे। यह बल दे हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों के आशीष प्रदान करे। आमीन। मैं हमारे सीएमसी माउंट कामल के सिस्टर धन बहनों को बधाई देता हूँ इस तरह के, और ये प्रार्थना करता हूँ कि जो काम हम इतनी अच्छी तरह करते हैं प्रभु के आशीर्वाद से आगे बढ़ाए। साथ साथ सभी जो सहकारी हैं हमारे सिस्टर लोगों को मदद करते हैं हमारे लोगों की सेवा करने के लिए आप लोगों को भी शुभकामनाएं देता हूँ इस पर्व की। सबों को खुश पर्व। जय यीशु जोहार। Thank you.